बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुस सजदा, ये मक्की सूरत है। इसमें भी कुरान मजीद के अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा होने का बयान फरमाया गया है। और इसके बाद आसमानों और ज़मीन की तख्लीक, इंसान की अपनी पैदाइश के मराहिल बयान फरमाए और याद दहानी कराई कि जिस रब ने पैदा किया है वो मौत भी देगा और मरने के बाद फिर जिंदा भी करेगा। उसके बाद मोमिनीन और फासिकीन का फ़र्क इरशाद फरमाया। आखिरी रुकू में मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का भी जिक्र फरमाया। ये सूरत उन सूरतों में से है जिनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास फजीलतें बयान फरमाई। इसकी फजीलत और इतना दर्जा है कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना रात को इसकी तिलावत फरमाया करते थे। सूरतुस सजदा की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना रात को तिलावत फरमाया करते थे। अब भी उलमा और मशायख इशा के बाद इस सूरत के पढ़ने की तलकीन फरमाते हैं। इब्तदाई ज़माने में इस सूरत को मुंजिया कहते थे कि ये सूरत अल्लाह ताला के अजाब से निजात दिलाने वाली है। एक ताबेई फरमाते हैं कि मरने के बाद ये सूरत अपने पढ़ने वाले के बदन पर अपने परों को फैला देती है। एक हदीस में आता है कि ये सूरत अल्लाह ताला से अपने पढ़ने वाले के लिए झगड़ा करती है। इस सूरत में अकायद का भी जिक्र है और क़यामत का भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी सूरतों की तिलावत को ज़्यादा बायस सवाब करार दिया है जिनमें इन दो चीज़ों का जिक्र हो, यानी अकायद और क़यामत का। जैसे सूरह इखलास है, सूरतुत तकासुर है, सूरतुल ज़िलज़ाल है, इनके पढ़ने की ज़्यादा फजीलत बताई गई है। उसके बाद सूरतुल अहज़ाब, ये मदनी सूरत है। इसमें ग़ज़वा अहज़ाब का जिक्र है जिसे ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं, इसीलिए इस सूरत का नाम अल अहज़ाब रखा गया है। कुफार की तरफ से हमले का मुकाबला करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे से मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द खंदक खुदवाई थी, जिसकी वजह से इसे ग़ज़वा खंदक और जो हमला करने के लिए काफिर आए थे, चूँकि वो मुख्तलिफ कबीले और गिरोह थे और गिरोह को अरबी में हिज्ब कहते हैं, इसलिए ग़ज़वा अहज़ाब भी इसको कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से अपनी फूफीज़ाद बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक के बाद उनके साथ निकाह कर लिया था, जिसे उस वक़्त के रवाज के मुताबिक मायूब समझा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुरी रस्म को अमलन ख़त्म फरमाया। कुरान मजीद में दूसरी जगह फरमाया, हमने ख़ुद उसका निकाह आपके साथ कर दिया। इस ज़िमन में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के नज़दीक उनकी अपनी जानों से भी ज़्यादा मालिक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ मोमिनों की माएँ हैं। उसके बाद ग़ज़वा उहद का तफसीली ज़िक्र फरमाया गया, जब मुसलमानों को आर्जी शिकस्त हुई, और उन शुहदा का खसूसी जिक्र फरमाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो गए। इस सूरत में ख़त्म नबूवत के बुनियादी अकीदे को भी बयान फरमाया गया। माकान मुहम्मदुन अबा अहद, इस आयत के अंदर उम्महातुल मुमिनीन को खिताब फरमा कर बिलवास्ता अल्लाह ताला ने औरतों के लिए हुक्म फरमाया कि वो अपने घरों में रहें और बिला ज़रूरत घर की चार दीवारी से बाहर बिल्कुल ना निकले। अगर मजबूरन उनको निकलना हो तो ऐसा पर्दा करें कि पहचानी ना जाए। जाहिर है इसमें मुंह को ढांपना भी लाजिम है, जिसकी आजकल परवाह नहीं की जाती। ये कुरान पाक के वो चंद खुलासे के तौर पर जो बातें अर्ज़ की जाती हैं, ये इंतहाई कीमती हैं। कुरान पाक से ताल्लुक़ हमारा मजबूत होता है और उसके इसको समझने का हमें मौका मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को सही तरह, जो इसका हक है, उसको उस तरीके से समझने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।